यूथ अकाली दल के प्रतिनिधि मंडल ने जिला अध्यक्ष गुरदीप सिंह गोशा के नेतृत्व में डिप्टी कमिश्नर प्रदीप अग्रवाल से मुलाकात की और कोरोना वायरस के कारण स्कूलों को अप्रैल के अंत तक बंद करने की मांग की। यूथ अकाली दल के जिला अध्यक्ष गुरदीप सिंह गोशा ने कहा, कोरोना वायरस को महामारी रोग घोषित किया है। सरकार ने सामूहिक समारोह से बचने का सुझाव दिया है, लेकिन सरकार को स्कूल जाने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक कदम उठाना चाहिए। गुरदीप सिंह गोशा ने मांग की कि सरकार और प्रशासन को अप्रैल के अंत तक स्कूल में छुट्टियां घोषित कर देनी चाहिए। स्कूल की परीक्षाओं को परीक्षा के दिनों में वायरस से सुरक्षित रहने के लिए पूर्वव्यापी उपाय करने चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। इस अवसर पर गगनदीप सिंह, ग्यासपुरा, हरमनप्रीत सिंह, अमन सैनी, राज संधु और अन्य भी मौजूद रहे। नेशनल 18 के लिए लुधियाना से भारत धीर की रिपोर्ट। रोकथाम लिए अच्छे डीसी साहब ने एक मंग पत्र दिता भी अप्रैल के महीने के बच्चों एग्जाम तो बाद छुट्टियां दे दी जाता जो समझते भी बचाव किया जा सके तो बचाव बचाव है तो नाल जब तक सेंटर सरकार वालों कोई पुख्ता कारण नहीं आ जाते भी हम कोरोना वायरस की रोकथाम होगी तद तक ये छुट्टियां चाहिए चाहिए। तो मैं उम्मीद करता भी डीसी साहब वक्रे वक्रे स्कूलों चल रहे डीसी साहब साड़ी भी जी भावना समझे तो ये चीज़ को रोकया जाए। अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें नेशनल 18 का यूट्यूब चैनल, बेल बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।